कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टुडे जी के 1 सितंबर 2020। इससे पहले जो व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने 6 टुडे जी के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो इसे देख करके उस 6 वीडियो को भी देख लें और उससे तमाम जो 20 क्वेश्चन है वो अपने कॉपी में लिख लें और उसे याद कर लें ताकि जब वो एग्ज़ाम देने जाएँ तो अपने एग्ज़ाम को अच्छे से सफल कर पाए। चलिए तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, यानी ध्वनि में कौन सा लक्षण होता है जिसके कारण कोई ध्वनि मोटी हो जाती है और कोई पतली हो जाती है, तो वो होता है ध्वनि के पिच के कारण, जिसे हिंदी में कहते हैं तारत्व। नेक्स्ट, किसके द्वारा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित होता है, यानी सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण जो होता है साउंड पॉल्यूशन, वो होता है हवाई जहाज़ के उड़ान भरने के दौरान, क्योंकि जो उसमें जो इंजन होते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में साउंड पॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, तो वो जो प्रक्रिया होती है जो ना ही लाइट एंड ना ही साउंड में होती है वो होता है पोलराइजेशन। नेक्स्ट, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है, तो हमारे कानों में ध्वनि का जो प्रभाव होता है वो सेकेंड का 1 सेकेंड का 10वां भाग होता है, यानी 6 कह सकते हैं 6/1/10 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ध्वनि तरंग जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन के कारण परावर्तन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर पर रहना चाहिए, तो अगर किसी व्यक्ति को अपनी इको सुनना है तो वो अपने परावर्तक तल से रिफ्लेक्शन एरिया से वो 56 फीट की दूरी पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है, तो स्टेथोस्कोप जो होता है वो ध्वनि के रिफ्लेक्शन पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास आती हुई गाड़ी की आवाज़ तेज हो जाती है जबकि दूर जाती हुई गाड़ी की आवाज़ कम सुनाई देती है या फिर कम हो जाती है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये काम करता है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो किस एक प्रकार का है वो कौन सा तरंग है जिसका इस्तेमाल किया जाता है रात्रि दृष्टि में, तो वो होता है अवरक्त तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ध्वनि की सबसे अधिकतम जो गति होती है वो होता है आयरन में, लोहा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैव पद्धति जिससे पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो वो जैव पद्धति कौन सी होती है, तो वो होता है सोनोग्राफी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती, तो वो होती है ध्वनि तरंग जो होती है वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, तो उस ध्वनि तरंग को जो कि वो उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान करता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे कहते हैं सोनार। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा सोनार का पूरा नाम तथा साथ ही साथ रडार का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो जो प्रकाश तरंग होती है ये एक तरह का अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार CDS के एग्जाम में, खास करके साइंस सेक्शन से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था, यानी प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था, तो ये दिया गया था हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है, तो वो होती है पोलराइजेशन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, किसने प्रकाश के इलेक्ट्रोमैग्नेट स्वरूप की खोज की थी, तो वो किया था मैक्सवेल ने, किसने किया था, मैक्सवेल। नेक्स्ट, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, वो होता है पोलराइजेशन। नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो वो होता है पोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, तो चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को समय लगता है वो लगता है 1 सेकेंड।
देखिए, अगर वही बात कर जाते हैं कि अगर सूर्य से पृथ्वी पर रोशनी को आने में कितना समय लगता है, तो वो होता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है, यानी हवा में लाइट की गति कितनी होती है, तो वो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, तो पता होगा कि सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग हमें दिखाई देता है, उस भाग को हम कहते हैं कोरोना। और अभी वर्तमान में जो हमारा पूरा देश अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, वो कोरोना के कारण ही बिगड़ा है। खैर, ये वो कोरोना नहीं है जिससे हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। अक्सर हम लोग देखते थे, जब हम लोग बचपन में सर्कस या फिर हम लोग कभी मेला घूमने आते थे, तो ऐसा हम देखते थे कि पानी भरे बर्तन में सिक्के होते थे, जो कि हमेशा थोड़े से कह सकते हैं उठा हुआ दिखाई देता था। तो वो किस कारण से होता था? तो वो बेसिकली जो होता है वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डुबोई हुई एक छड़ी किस कारण मूढ़ी प्रतीत होती है? तो इसका भी आंसर सेम होगा, अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है, ये पड़ता है प्रकीर्णन के कारण, जिसे कहते हैं स्कैटरिंग। नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल रंग होता है, इसका भी कारण सेम होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन हिंदी में और इंग्लिश में स्कैटरिंग। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो विक्षेपण अधिक होता है किसका? तो वो होता है वायलेट, सबसे कम होता है वो होता है रेड। सूखा बालू जो होता है वो चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है? तो ये जो हम देखते हैं कि जो भीगी बालू होती है वो थोड़ी सी कम चमकती है, लेकिन जो सूखा बालू होता है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है। तो ये होता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेलीस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो टेलीस्कोप बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उसका दर्पण का नाम है समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण होता है? तो ये होता है परावर्तन के कारण, जिसे हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे जी के, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के मिरर का प्रयोग किया जाता है? तो वो मिरर हो जाएगा कौन सा, उत्तल मिरर, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारा टुडे जीके का बेसिकली साइंस का सेक्शन था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर साइंस सेक्शन में कवर नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने साइंस के हीटेड क्वेश्चंस को आज के टुडे जीके में जगह दिया है। उम्मीद होगा कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।